मैं सुजय कुमार और आपके अपने चैनल सुजय फैंटेसी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं आज का दिन का दूसरा मुकाबला जो कि कैसियो वुमेन्स T20 चैलेंज के दूसरे मैचेस का है जो कि टीम एम्बर और टीम पर्ल के बीच में खेला जाना है। पहले से दो वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, कैसियो वुमेन्स T20 का फर्स्ट वीडियो और वुमेन्स T20 क्वाड्रेंगुलर का सेकेंड वीडियो, और ये होने वाला है थर्ड वीडियो। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि ये मैं इसका भी वीडियो मैं कवर करूँगा, और चौथा और पाँचवा वीडियो भी मैं बता देता हूँ कि कल और कौन से चार पांच मैचेज में जो मैं कवर करने वाला हूँ वो वीडियो आपको मिल जाएगा। जैसे कि UAE वुमेन और थाईलैंड वुमेन के बीच में मैच खेला जाना है, इसका वीडियो थोड़ी देर में मिल जाएगा मेरे इसी चैनल पे, ठीक है। और पांचवा वीडियो होने वाला है कल से बख्तियार 50 ओवर्स का लीग चालू हो रहा है DCS और पैसिफिक ग्रुप के बीच में, जिसका वीडियो कुछ देर में आपको अपलोड होता हुआ मेरे चैनल पर दिख जाएगा। तो जैसे जैसे मैंने आपको बोला है दोस्तों वैसे वैसे वीडियो आपको चैनल पर मिलते जाएगी। तो अभी के लिए तो हम लोग इस मैच के ऊपर फोकस करते हैं जो कि AMB और पर्ल के बीच में खेला जाना है। इम्पॉर्टेंट मैच है, बिल्कुल भी आप मिस नहीं करोगे ये सारे मैचेस को, बिकॉज अगर ये सारे मैचेस को मिस कर दोगे ना भाई तो फिर आपके जितना बड़ा देखो आप इस मैच में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके विन कर सकते हो, लेकिन आपको पूरे वीडियो को ध्यान से समझना पड़ेगा तभी आप इन्वेस्टमेंट अच्छा ढंग से कर पाओगे और खेल पाओगे। तो अभी के लिए हम लोग चलते हैं AMB के बारे में, जितने भी इनके स्क्वाड में प्लेयर हैं सारे के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अगर अभी तक ज्वाइन नहीं हो तो सबसे पहले जल्दी से जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाओ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा आपका नहीं लगने वाला है, तो किस बात की देरी कर रहे हो भाई साहब, जाओ और जल्दी से जा करके ज्वाइन कर लेना। अब चलो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इनके प्लेयर के स्टैट्स के बारे में, ठीक है। देखो अभी रामी बिनू का मुझे स्टैट्स नहीं मिला है, जैसे ही मुझे मिल जाता है मैं टेलीग्राम पे आपको बता दूंगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से आते हैं अंशु सुनील पे। अब यहाँ से देखो अंशु सुनील आपको खेलती हुई दिख जाने वाली है इनके तरफ से, इंपॉर्टेंट प्लेयर तो मैं नहीं बोलूँगा, आप सीधा सीधा इनको क्या करोगे ग्रैंड लीग में फोकस करोगे। स्मॉल लीग के लिए तो मैं ज़्यादा हाईली रिकमेंडेशन देने वाला हूँ नहीं, बिकॉज इनके रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है ना वो कुछ खास है ही नहीं, तो आप इनको सीधा सीधा ग्रैंड लीग में फोकस करना। दिव्या गणेश अगर इनके बारे में देखोगे तो एक ऐसे उनका पारी है, बाकी उसके अलावा कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, तो आप इनको ग्रैंड लीग में आराम से फोकस कर सकते हो। उसके बाद है जया लक्ष्मी देव के बारे में बात करें तो मुझे तो कुछ खास नहीं लगा, आप इनको ग्रैंड लीग में आराम से फोकस कर लेना दोस्तों। PR वैष्णव मुझे स्टैट्स नहीं मिला, आप इनको देखो इनका कुछ स्टैट्स भी नहीं है। देखो एक बात तो मैं बता देता हूँ, इनका थोड़ा बैटिंग ऑर्डर हर मैच में नीचे रहता है जिसकी वजह से इनको बैटिंग नहीं मिल पाता, और इसी की वजह से इनका कोई परफॉर्मेंस ढंग का है नहीं, ठीक है, तो ये समझ लेना। अजन्या TP के बारे में अगर मैं बात करूँ तो बिग बॉलिंग बैटिंग दोनों से आपको अच्छा खासा ये पॉइंट देने वाली हैं, ज़्यादातर आपको बॉलिंग से ही पॉइंट देंगी, बिल्कुल भी आप इनको ड्रॉप नहीं करोगे दोस्तों, आपके टीम में होने ही चाहिए किसी भी कीमत पर, ठीक है, तो ये थोड़ा देख लेना, अपने टीम में रोटेट करके चल ही लेना, ठीक है, आपके लिए अच्छी खासी पिक बनने वाली हैं। निधुना और के विस्माया मुझे तो कुछ खास इनका स्टैट्स मिला नहीं है। दिया ग्रीस के बारे में बात कर लेते हैं तो 13 रन 4 रन 3 विकेट 7 रन 0 विकेट 16 रन 7 रन, तो अभी तक पूरे मैच में सिर्फ एक मैच को छोड़कर सारे मैच में फ्लॉप हैं, तो आप इनको तो मैं बोलूँगा कि आप इनको ग्रैंड लीग में फोकस करना, स्मॉल लीग में ज़्यादा नहीं, ग्रैंड लीग में भी एक आध दो टीम में ट्राई करना अगर 10 टीम आप क्रिएट कर रहे हो तो, ठीक है। सौरभ्या P के बारे में अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग के तीनों मैच में इनको विकेट है, लास्ट के मैच में इनको विकेट नहीं मिल पाया दोस्तों, तो थोड़ा देख लेना, अगर आपकी टीम में जगह बन पाएगा तो ही रोटेट करना, वरना आप इनको ग्रैंड लीग में फोकस कर सकते हो, और इनकी टीम पहले बॉलिंग करेगी तो ही आप इनको रोटेट करना, ठीक है। उसके जाते हैं गायत्री S के बारे में। देखो जिस भी प्लेयर का मैं स्टैट्स यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ ना वो ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं है, और खेलने के चांसेस भी उनके कम है, तो थोड़ा ध्यान में लेकर के चलना, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग नीचे, गायत्री S कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, ग्रैंड लीग में रोटेट कर रहा हूँ। S संजना कैप्टन है इस टीम की, 25 रन 0 विकेट 21 रन 0 विकेट 31 रन 4 विकेट 8 रन 0 विकेट 30 रन 1 विकेट, इंपॉर्टेंट प्लेयर है आपके लिए, हर मैच में स्कोर अच्छा खासा करती हुई दिख जाएंगी, तो अपने टीम में इनको रोटेट करके चल सकते हो। जिप्सा जोसेफ मुझे तो कुछ खास नहीं लगी, तो आप इनको ग्रैंड लीग में फोकस कर सकते हो, एक मैच में छोड़कर सारे मैच में इनको विकेट नहीं मिल पाया है दोस्तों। श्री कृष्ण हरिदास तो आप इनको ग्रैंड लीग में ही फोकस करो, और बाकी यहाँ से कोई खास प्लेयर कोई है नहीं। तो दोस्तों मैंने यहाँ से जितने भी इनके इंपॉर्टेंट प्लेयर थे, इनके स्क्वाड में जितने भी प्लेयर थे, करीब करीब मैंने आपको सारे प्लेयर के बारे में डिस्कस करके समझाया है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हो तो जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लो, और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो यार, इतने सारे मेहनत इतने सारे स्टैट्स वगैरह निकालने के बाद अगर आप छोटा सा आपसे एक चीज़ मांग रहा हूँ लाइक, तो वो तो आप कर ही सकते हो ना, और कमेंट बताना वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है, और किससे रिलेटेड आपको और भी वीडियो चाहिए वो पक्का मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा, और उस चीज़ को फॉलो भी करूंगा उस मैसेज को। अब जो नेक्स्ट टीम रहने वाली है टीम पर्ल के बारे में, तो इनके भी प्लेयर में बहुत सारे प्लेयर हैं, तो चलो इनके जो प्लेयर का स्टैट्स मुझे मिला है
मैं सारे के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसे कि अभी लीना सिबू, अब इनका देखो 1 रन 1 विकेट और 2 विकेट है, बाकी सारे मैच में ये फ्लॉप हैं, तो कुछ खास तो रिकॉर्ड है नहीं। आप इनको क्या करोगे, ग्रैंड लीग में रोटेट करोगे। आर्या बेबी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो कुछ खास रिकॉर्ड इनका भी नहीं है, इनको भी आप ग्रैंड लीग में फोकस करो दोस्तों। उसके बाद हम लोग आते हैं जय चेतना, इनका भी कुछ खास नहीं है। रागी मोहन का अगर रिकॉर्ड देखोगे तो 1-1 विकेट है दोनों मैचों में, और उसके बाद फिर ये सारे मैचों में फ्लॉप हैं। तो ज़्यादातर आप, मैं बोलूँगा कि आप इनको ग्रैंड लीग में फोकस करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। स्मॉल लीग के लिए तो मैं बिल्कुल भी हाई रिकमेंडेशन नहीं देने वाला हूँ। के आर स्नेहा कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। बैसना MP विकेट कीपिंग से दिख तो जाएंगी आपको, लेकिन कुछ खास प्रदर्शन नहीं है। हाँ, हालांकि आपको ये विकेट कीपिंग का पॉइंट कर देती हुई आपको दिख सकती हैं, तो ये थोड़ा इनका प्लस पॉइंट रहने वाला है। बाकी अगर यहाँ से नीचे देखोगे ना तो सोया सो कुमार हैं, कुछ खास मुझे तो स्ट्राइड्स इनका लगा नहीं है, तो आप इनको ग्राइंडिंग में फोकस कर सकते हो। स्मॉल लीग में ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ, पहले बॉलिंग कर लेती हैं ना और खेल जाती हैं तो अपने टीम में शायद इनको रोटेट करके चल सकते हो। टीम के प्रॉपर बॉलर होंगी तो ही आप रोटेट करना। अंजू रंजन मुझे तो कुछ खास नहीं लगी, तो आप इनको ग्रैंड लीग में फोकस करना। और 1-2 ही विकेट है 5 मैच में। उसके बाद है अलका एसुरस, बहुत सारा प्लेयर है भाई एक एक टीम में, तो थोड़े से वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा ध्यान देना कि सारे प्लेयर का मैं स्टैट्स आपको धीरे धीरे करके डिस्कसिंग कर देता हूँ। मैं ज़्यादातर आपको बता देता हूँ कि इनको आप स्मॉल लीग में, इनको आप ग्रैंड लीग में रोटेट करो, ताकि मैं स्टैट समझाता नहीं हूँ। स्टैट तो आप देख ही रहे हो कि रिसेंटली इनका परफॉर्मेंस क्या रहा है, तो ये थोड़ा समझ लेना आप। अलका सुरेश के बारे में अगर मैं बात करूँ तो 1-1 विकेट है इनका, बाकी कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। उसका देखो सरस्वती उन्नी अमित कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, ग्रैंड लीग में फोकस करो। उसके बाद है विनय सुरेंद्रन, आपके लिए अच्छी खासी पिक बनेगी। देखो इनका 7 विकेट है लास्ट के 5 मैचेज में, तो समझ सकते हो कुछ तो दम होगा ना बंदी में, तो अपने टीम में ट्राई कर लेना। आकाश सिजू का मुझे नहीं मिला है, खेलेंगे भी तो आप ग्रैंड लीग में रोटेट करना। ऐश्वर्याम भी खेलेंगे तो आप ग्रैंड लीग में रोटेट करके चल सकते हो। MP अलीना के बारे में बात करेंगे तो बैटिंग बॉलिंग दोनों आपको अच्छा खासा करते हुए दिखने वाली हैं, अपने टीम में इनको रोटेट करके चल सकते हो। मालविका सबू के बारे में अगर मैं बात करूँ तो 27, 24, 12 अच्छी खासी ये प्लेयर हैं, आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस भी करती हुई दिखने वाली हैं, तो ये थोड़ा इन पर दिमाग लगा कर चल लेना आप। उसके बाद मिन्नू मानी है, तो आपके टीम में होने चाहिए और कैप्टन की डिफॉल्ट चॉइस रहने वाली हैं। बैटिंग बॉलिंग दोनों अच्छा खासा करती हुई आपको दिखेंगी और हर मैच में आपको परफॉर्मेंस भी करती हुई दिखेंगी। तो देख लो 5 रन 1 विकेट, 14 रन 0 विकेट, 2 रन 1 विकेट, 54 रन 1 विकेट, 55 रन 2 विकेट, तो ये थोड़ा ध्यान दे करके चल लेना, अपने टीम में इनको रोटेट करके चल ले सकते हो। और बाकी यहाँ से कोई खास प्लेयर नहीं है। तो चलो दोस्तों, ये तो बात हो गई दोनों टीमों के हर प्लेयर का स्टैट्स के बारे में। अब हम लोग जल्दी से चलते हैं ड्रीम 11 टीम के ऊपर, और वहाँ चल के मैं डिस्कस करूँगा ड्रीम 11 की टीम। तो चलो दोस्तों, अब यहाँ से हम लोग एक एक चीज़ बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ से देखो, सबसे पहले बात है कि अगर आप वीडियो को अगर अभी तक भी लाइक नहीं किए हो तो सबसे पहले तो आपका फर्स्ट काम है कि लाइक कर दो। 50+ लाइक्स होंगे तो ही इसका मैच के मैं कवर करूँगा टीम, तो जल्दी से 50+ लाइक्स आप कर देना इस वीडियो पे, ठीक है। अब चलो यहाँ से हम लोग स्मॉल लीग की टीम क्रिएट करते हैं, और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लग रही है, या फिर आपको कुछ भी मैच से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, या फिर आपको जो भी मैचेस का टीम चाहिए या फिर कवर करने के लिए चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस मैच को कवर करने का प्रयास करूँगा। तो चलो हम लोग स्मॉल लीग टीम डिस्कस करते हैं। यहाँ से देखोगे तो MP वैष्णव है, कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है इनका। जया चंद्रन है, आप इनके साथ जा सकते हो, जो कि आपके लिए अच्छी खासी पिक बन सकती हैं। अब आते हैं हम लोग बैटिंग सेक्शन पे। TP अजन्या, इनका भी कुछ खास मुझे रिकॉर्ड नहीं लगा है, तो आप ट्राई तो करना पड़ेगा ना 3 प्लेयर को। तो यहाँ से आप ए सेलिना को सबसे पहले अपनी टीम में ट्राई कर लो, और यहाँ से अगर आप चाहते हो 1 प्लेयर और लेना तो चैतन्या या फिर दिव्या, ये दोनों में से किसी एक के साथ जाओ, मैं इनके साथ चले जा रहा हूँ। ऑलराउंडर सेक्शन पे आते हैं तो मिन्नू मानी आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक, ए सजना इंपॉर्टेंट पिक, जिसा जोसेफ चाहो तो ट्राई कर सकते हो, वरना ड्रॉप भी कर सकते हो, अच्छी खासी प्लेयर हैं आपके लिए। एलिना एम के साथ जा सकते हो आप। उसके बाद आते हैं हम लोग बॉलिंग सेक्शन पे, तो दिया क्या नाम है यार इनका, गिरीश दिया, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। अलका और आर अंजू के साथ आप जा सकते हो। इस हिसाब से अभी के लिए तो ये टीम हो रही है। देखो ये बिल्कुल भी फाइनल टीम नहीं है, मैं फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे दूंगा, बिकॉज देखो टॉस अपडेट के बाद पक्का कुछ ना कुछ चेंज करता हुआ तो मैं दिखने ही वाला हूँ, ठीक है। तो डिस्कस तो मैं यहाँ पर कंफर्म करने ही वाला नहीं हूँ कि कौन से प्लेयर को मैं अभी कैप्टन वाइस कैप्टन बना रहा हूँ, कौन से प्लेयर को। देखो सारा कुछ बदल जाता है जब टॉस डिपेंड करता है मैचेज के ऊपर, ठीक है, तो ये थोड़ा देख लेना। हाँ, मिन्नू मानी तो डिफॉल्ट कैप्टन आपकी रहने वाली है, ये थोड़ा ध्यान दे लेना। बाकी जो सारे प्लेयर हैं ना बिजी के लिए अगले सोचना पड़ेगा, तो जो भी होगा मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा, तो टेलीग्राम से जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, कमेंट पर बता देना। जल्दी मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें दोस्तों, जय हिंद।